फ्लाईओवर आपके सामने और ये सराउंडिंग की पोजीशन, पता नहीं किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाना। ये एक ट्रायंगल है सामने, ये बकायदा इसमें होल पड़ गए, कर दी गया यहाँ पर कंक्रीट भी कर दी गई है। और ये आपके सामने यहाँ के व्यूज है, मैं दिखा दूँ जिस तरह जालियाँ टूटी हुई हैं। ये बकायदा टू यहाँ पर आया है, ये भी बकायदा तोड़ी गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आतिफ हम बताएं चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं जौहर चुरंगी अंडरपास की कुछ व्यूज़ शूट करने के लिए आया हूँ। लास्ट यहाँ बारिश की वजह से जो सेटलमेंट वगैरह कुछ मसाइल यहाँ पर आए थे और जिनको यहाँ पे रेक्टिफाई कर दिया गया, कुछ मसाइल जो अभी रह गए, मैं इस वीडियो के ज़रिए अपने व्यूवर्स को और इदारों को उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं इस वक्त बिल्कुल बैतुल अल्लाह के सामने खड़ा हुआ हूँ। एक सेटलमेंट का इशू यहाँ पर आया है, इसको फ़िलहाल अभी रिपेयर नहीं किया गया। आज 5 दिन हो गए बारिश हुए हुए, लेकिन ये मसला अभी वैसे का वैसे ही है। मैं थोड़ा करीब से भी आपको दिखा देता हूँ। ये सेटलमेंट का अभी बिल्कुल थोड़ा सा इशू है, अगर इसको टाइम से रेक्टिफाई कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना ये गड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। ये सामने बैतुलिना है और ये यहाँ पे सेटलमेंट का इशू है। दूसरा, ये जो एक पोल खड़ा हुआ है, इसके पास कोई 2 पोल और करने पड़ेंगे बारिश के पानी की निकासी के लिए। इस लोकेशन पे 2 होल और करने पड़ेंगे, यहाँ पे काफ़ी पानी आके रुका रहा और यहाँ पे 2 होल तो हुए हैं, लेकिन इसके अलावा अगर 2 होल और हो जाएंगे तो बिल्कुल बैतुलिना के सामने और वो इलेक्ट्रिक का जो पोल है ये उस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ, तो ये मामला बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक ड्रेनेज सिस्टम का एक कवर भी यहाँ गायब है, उसको भी अगर लगा दिया जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर काम हो जाएगा। मैं मज़ीद आगे की तरफ को चलूँगा। इस इलेक्ट्रिक पोल के बारे में तो पहले ही मैं आपको अपडेट कर चुका हूँ, इसको अभी तक ना हटाया गया है ना इसके मुतालिक अभी तक कोई डिसीजन लिया गया है। ये एक मैं दूसरे पॉइंट पे आके खड़ा हुआ हूँ, ये भी सेटलमेंट का एक इशू है। ये कि जगह इतनी ज़्यादा बैठी नहीं है, लेकिन ये कि सेटलमेंट क्योंकि इस पर हो चुकी है, और अगर मैं लोकेशन समझाऊँ, यह बिल्कुल सामने रूफी शॉपिंग मॉल है और इसके बिल्कुल सामने ये लोकेशन है। ये सामने रूफी शॉपिंग मॉल और ये सेटलमेंट आपको नीचे नज़र आ रही होगी, इसको भी टाइम से रेक्टिफाई कर दिया जाए तो बेहतर होगा, बजाय इसके कि ये खड्डा और ज़्यादा बड़ा हो। ये सामने रास्ता राबिया सिटी की तरफ से आ रहा है और ये इस वक्त मैं बिल्कुल रूफी शॉपिंग मॉल के सामने मौजूद हूँ। मैं मज़ीद आगे की तरफ को चलूँगा। ये बकायदा इसमें होल पड़ गए और कोई भी आगे बारिश होगी तो लाजमी तौर पे बहुत बड़ा इस पर नुकसान होने का भी खदशा है। तीसरा एक पॉइंट ये था जिसको रिपेयर कर दिया गया, ये बिल्कुल चेज़अप के सामने था लेकिन इसको रिपेयर कर दिया गया है। काफ़ी बड़ा खड्डा यहाँ पड़ गया था, सेम डे इसको रिपेयर कर दिया गया, यहाँ पर कंक्रीट भी कर दी गई है और ये आपके सामने यहाँ के व्यूज़ हैं। ये बिल्कुल चेज़अप के सामने इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मैं मज़ीद आगे की तरफ को चलूँगा। ये इस वक्त मैं बिल्कुल जौहर चुरंगी में मौजूद हूँ। लास्ट इस लोकेशन की भी सेटलमेंट हुई थी, ये सामने जौहर चुरंगी आपको नज़र आ रही होगी। और अगर मैं सराउंडिंग के व्यूज़ की बात करूँ तो मेरे बिल्कुल बैक साइड पे जौहर स्पायर अपार्टमेंट्स है, कामरान स्वीट्स है, सामने मोबाइल मार्केट है। इस जगह की भी रिपेयरिंग कर दी गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोई ख़ास रिपेयरिंग इसकी की गई है, क्योंकि सेटलमेंट में कुछ मटेरियल को रिमूव किया जाता है और उसके बाद इसको निकाल के
फ्रेश मटेरियल डाला जाता है। एनीवे रिपेयरिंग फ़िलहाल कर दी गई है। यह आपके सामने यहाँ की पोजीशन, कुछ इस रोड के ऊपर भी क्रेक विजिबल हुए थे जो आपके सामने इस वक्त आपको नज़र आ रहे होंगे। ये मेन जॉर्ज चुरंगी पे मौजूद हूँ, और अगर मैं पोजीशन की बात करूँ तो ये फलसीन अंडरपास के सामने फ्लाईओवर भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ के लेटेस्ट व्यूज़ हैं, रिपेयरिंग के बाद ये पोजीशन यहाँ पर आई है। ये तमाम जगह सारी अनइवन हुई हुई है, ऊपर नीचे हुई हुई है, इसके ऊपर मटेरियल डाल के इसको क्लोज कर दिया है। क्रेक्स को भी मैं पहले बता चुका हूँ, क्रेक्स वगैरह यहाँ पे विजिबल हुए हैं, और ये यहाँ की पोजीशन है। इनको प्रॉपर रिपेयर करना पड़ेगा, वरना फ्यूचर में जितनी अभी सेटलमेंट हुई है ये इससे डबल यहाँ पर सेटलमेंट नज़र आएगी। ये सामने चेजअप जौहर स्क्वायर अपार्टमेंट्स और कामरान स्वीट्स है, ये यहाँ की प्रोग्रेस आपके सामने। जिस दिन बारिश यहाँ हुई है केडी की टीम यहाँ पर अवेलेबल थी, लेकिन उस हिसाब से काम किया नहीं गया। ये एक ट्रायंगल है, सामने जौहर स्क्वायर अपार्टमेंट और कामरान स्वीट्स आपको नज़र आ रही होगी। ये आप इसकी हालत भी देख सकते हैं, ये बारिश की वजह से सेटलमेंट हुई है, ये पूरी जगह यहाँ से डाउन हो गई है। उम्मीद तो ये थी कि एक से दो दिन में तमाम काम रेक्टिफाई हो जाएंगे, लेकिन जिस इशू को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है सिर्फ उन इशूज़ को यहाँ क्लोज किया गया है, ये एक थोड़ा सा सवालिया निशान है। ये तमाम जगह यहाँ सेटलमेंट हुई हुई है। ये एक सेटलमेंट और हुई थी, इसके लिए भी मैंने उस दिन केडीए की टीम को बताया था कि यहाँ पर एक सेटलमेंट और हुई हुई है, लेकिन फ़िलहाल इसको नहीं देखा गया। ये सामने अलायंस आर्केड है, और ये सामने रास्ता वापस दारुसेद हॉस्पिटल की तरफ को जा रहा है। ये अगर आप सेटलमेंट देखें, ये तकरीबन वही बात आती है कि 5 दिन गुजर गए हैं, अगर टाइम से इसको रिपेयर कर दिया जाए तो किसी बड़े मसले से बचा जा सकता है। मसाइल बिल्कुल आते हैं, मुझे इस चीज़ से इनकार नहीं है, लेकिन अगर उसको टाइम से रेक्टिफाई कर दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो जाता है। ये सामने अलायंस आर्केड है, और ये यहाँ पे ये पोजीशन है। एक और ट्रायंगल के पास मैं आके खड़ा हुआ हूँ, ये आपको मैं दिखा दूँ जिस तरह जालियाँ टूटी हुई हैं। ये बाकायदा तोड़ी गई हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी सेटलमेंट वगैरह मुझे नज़र नहीं आ रही, और मैं इसको भी बड़ा क्लियर कर दूं कि ये बारिश से पहले इसकी ये कंडीशन थी। मैं वीडियो नहीं बना सका, लेकिन ये कि मैंने आते जाते इस जगह को देखा था, ये बाकायदा तोड़ी गई हैं। आवाम की ये इमलाक है, आवाम ही इसको नुकसान पहुंचाती है। तो बाकी उसके अलावा दूसरे ट्रायंगल्स हैं वो सही हैं, सामने बसेरा के सामने जो ट्रायंगल है वो बिल्कुल ओके, उस पर कोई किसी किस्म के सेटलमेंट वगैरह नज़र नहीं आई है। इसके अलावा 4 अदद जालियाँ 5 यहाँ पर टूटी हुई हैं, ये भी बाकायदा तोड़ी गई हैं। जिस हिसाब से आप इनकी हालत देख लें, तोड़ने में और टूटने में बड़ा फ़र्क है। ये आपके सामने इसका मटेरियल, ये सामने रास्ता दारुसेद की तरफ को जाते हुए, ये ट्रायंगल की बकाया पोजीशन। सराउंडिंग के व्यूज़ भी मैं आपको दिखा दूं, काफ़ी टाइम से मैंने शूट नहीं किया। ये मेन जॉर्ज रंगी फ्लाईओवर, सामने इरम शॉपिंग मॉल, ये आपके सामने फ्लाईओवर। ये समामा वाली साइड से रोड आ रहा है, ये सामने बसेरा, ये फ्लाईओवर आपके सामने, और ये सराउंडिंग की पोजीशन। इसमें कोई शक नहीं है, ये बात काबिले तारीफ भी है
कि यहाँ पे बारिश का पानी नहीं रुका, लेकिन एक दो जो पॉइंट्स हैं जिनको लाजमी तौर पे डिस्कस करना ज़रूरी है, वो पॉइंट्स मैंने आप तमाम लोगों से शेयर कर दिए हैं। पीडीए की टीम जो आई थी उसको भी मैंने ये बताए थे, और उम्मीद की जाएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट बारिश से पहले इनको लाजमी सेटल डाउन किया जाएगा, और कोशिश की जाएगी और उम्मीद है कि आने वाली बारिशें इस तरह का नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। मैं मज़ीद आगे की तरफ चलता हूँ। बाकी इस वक्त मैं बिल्कुल फ्लाईओवर के नीचे मौजूद हूँ। जिस तरह लास्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि इस जगह को वॉशरूम के तौर पे इस्तेमाल किया जाना शुरू हो चुका है, या अगर मैं कैमरा से दिखा दूँ, थोड़ा जूम भी करके दिखा दूँ कि माशाल्लाह वॉशरूम यहाँ पर बन चुके हैं। ये हमारे मुल्क का अलमी है, थोड़ी सी चीज़ को कुछ टाइम के लिए अगर हम छोड़ दें तो उसको पता नहीं किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाना शुरू हो चुका होता है। एनीवे, ये वाटर बोर्ड की लाइन का मसला आज 2 महीने हो गए और ये अभी तक वैसे का वैसे ही है। ये तमाम व्यूज़ में आपको सराउंडिंग के दोबारा दिखा दूँ। सामने इरम शॉपिंग मॉल चेज़ब, उसके बाद जौहर स्क्वायर अपार्टमेंट्स, सामने कामरान स्वीट्स, बसेरा मार्केट, जौहर चौरंगी बीच से गुजर गई, उसके बाद अलायंस मार्केट, और ये यहाँ की पोजिशन। ये तमाम सेटल डाउन मैंने यहाँ पर जो हुई हैं वो तमाम चीज़ें आप तमाम लोगों से शेयर की हैं। उम्मीद है इस पर लाजमी एक्शन लिया जाएगा। आप तमाम लोगों की सपोर्ट का बेहद शुक्रिया।